गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की रिपोर्ट एक्सप्रेसवे के विस्तार को लेकर प्रशासन की ओर से मुआवजे में असमानता पर किसानों में रोष। ओरिहार सैदपुर गाजीपुर के पास एक्सप्रेसवे के विस्तार को लेकर प्रशासन की ओर से किए गए भूमि अधिग्रहण में मिलने वाले मुआवजे में असमानता पर किसानों में रोष गहराने लगा है। किसान एवं ग्रामीणों ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि अधिग्रही जमीन का उचित मुआवजा दिए बगैर वह अपनी जमीन अधिग्रहण नहीं होने देंगे। धरना स्थल पर आयोजित सभा में किसान गुलाब सिंह ने कहा कि किसानों के साथ किसी तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन पर मनमाने तरीके से जमीन पर काम कराने एवं मुआवजे को लेकर दबाव बनाने का आरोप लगाया। किसानों ने मांग किया कि शासनादेश के अनुसार बाजार रेट या सकल रेट के आधार पर मुआवजा दिया जाए। उन्होंने प्रशासन के दबाव के आगे नहीं झुकने का आह्वान किया। किसानों का कहना है कि प्रशासन का रवैया किसानों के प्रति उपेक्षात्मक एवं उत्पीड़नात्मक है। उन्होंने परियोजना से प्रभावित सभी किसानों को उचित दर से मुआवजा दिए बगैर अपनी जमीन पर काम न करने का आह्वान किया। वही समाज सेवी एवं किसान आलोक सिंह ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। प्रशासन ने जिस तरह से हम सबको अंधेरे में रखकर जमीन पर जबरी तरीके से काम करा रही है वह पूरी तरह से असहनीय है। उचित एवं एक समान मुआवजा मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान वहां पर किसान अशोक सिंह, गुलाब सिंह, अर्जुन सिंह, गुड्डू सिंह, दिलीप सिंह एवं सभी किसान उपस्थित रहे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर उप जिलाधिकारी सैदपुर विक्रम सिंह, क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी, कोतवाल रविंद्र भूषण मौर्य, उप निरीक्षक वंश बहादुर सिंह, नागेश्वर तिवारी, दिव्य प्रकाश सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह एवं लगभग 6 थानों की फोर्स मौके पर मौजूद रहे। आदेश के बावजूद भी प्रशासन नहीं मान रही है और किसानों का कहना है जो कि जो कोर्ट के नहीं मान रही है तो हम लोगों का क्या होगा। कोर्ट से बड़ा ये हमारे कोतवाल साहब हो गए हैं। 13/1/2001 महीने का इनको आर्डर मिला था और जो कि बीत चुका है और ये लोग यहाँ के छत्री एसडीएम बोलते हैं कि एक कार में बाधा नहीं डालेंगे और बाधा डालते हैं तो कोतवाल उठा के बंद कर देती है। किसानों का कहना है जो सर्किल रेट है वो हमें मिले और अपनी प्रशासन अपना काम रुकाए। हम काम करने में बाधा को हम नहीं रुकेंगे। प्रशासन हाई कोर्ट के आदेश के भी नहीं मान रही है और यहाँ प्रशासन यहाँ किसानों को जो जबरदस्ती करते काम चोरों पर जारी है। सरकार द्वारा काम जारी है, इसमें हमारे पूरी प्रशासन के द्वारा जोर जोर से काम किया जा रहा है। किसान के विरोध करने के बावजूद भी ये कार्य जारी है। आइए हम आपको दिखाते हैं प्रशासन किस तरह अपने स्तर से काम करवा रही है। और हमारे प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और इसी क्रम में हम किसान एक तरफ अपना विरोध कर रहे हैं। विरोध के बावजूद भी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं है। इन लोग का कहना है हमारा जो सर्किल रेट है उस पर हमको बिल दिया जाए और प्रशासन का कहना है क्योंकि मुकदमा 18 तारीख डीएम साहब का आदेश है उसके काम जारी रखिए और काम को बंद मत करिए। और डीएम साहब का आदेश है काम को रोकना नहीं आओगे। यहाँ किसान लोगों से हम बात करते हैं और देखिए किसान को क्या कहना है। भाई आप लोग जो विरोध करें आप लोग क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य यही है कि जो किसानों का मुआवजा नहीं मिला है उस जमीन पे काम न हो, हमारी यही मांग है। मगर प्रशासन अपना ये जो सरकार के दबाव में काम कर रही है, जबरदस्ती यहाँ किसानों की जमीन पर कब्जा करने का कोशिश कर रही है। तमाम फोर्स लगा के यहाँ एसडीएम कोतवाल सब आके यहाँ हम लोग को धमकी दे रहे हैं किसानों को। और कोतवाल महोदय का ये कहना है कि अगर किसान ऐसे करेंगे तो हम इनको अंदर कर देंगे। हम लोग कोई गुंडा बदमाश या आतंकवादी नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा हक चाहिए। हमारे जमीन पे हम किसी को काम बिना मुआवजा के काम नहीं करने देंगे। यही हमारी मांगे हैं। देखिए किसान किस तरह अपने बातों को रख रहे हैं कि हम अपनी जमीन भी दे रहे हैं और अपने संपत्ति का पैसा भी मांग रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने के बाद हो रही है। कहते हैं आप लोग ज्यादा विरोध करेंगे एक एक को पीट के मैं अंदर कर दूंगा।
और प्रशासन पूरी मुस्तैद है और किसानों के घर में देखिए किस तरह किसान साथ बैठे हैं और अभी तक एक ही काम क्या था। अरे डीएम साहब ने कहा कि हमें डीएम साहब का आदेश है, मैं जबरदस्ती काम कराऊंगा। उन्होंने मैं बार बार रिक्वेस्ट किया, हमें पैसा नहीं मिला, हमें पैसा दे दीजिए। कहा नहीं, पैसा वो जो है डीएम समझे, हम वो काम कराएंगे। और हमारे सीओ साहब जो है, हमारे भाई जो है, अभी उनका इलाज चल रहा है बनारस में, इनको धमकी दे रहे थे कि अभी जो है मार्केट बंद कर देंगे तुम्हें। कोतवाल साहब भी हमें धमकी दिए, सीओ साहब भाई साहब को दिए। भाई साहब सीओ है? नहीं, सीओ साहब यहाँ पे आए थे। सीओ साहब थे, आए थे सीओ साहब, दुबे दिए दी थी कोई लंबा से दूरे से, उनको धमकी दिया, उनको मैं हटा दिया कि जाने दीजिए, आप हटिए। सर हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग कोई बदतमीजी नहीं, कोई बात नहीं। और हम लोगों का रेट जो है सर, इसी डांड के इस साइड में 4.60 16 में दी।